चलिए, आपने अगर न्यू है तो आपने साइनअप करना है। साइनअप में जाके आपने अपना नेम, एनआईसी नंबर, पासवर्ड वगैरह लगाना है, ईमेल लगानी है। उसके बाद यहाँ आके आपने अपना एनआईसी नंबर लगाना है। और फिर यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है। ओके करेंगे, ये आपके सामने आपका लेआउट आ जाएगा। अब यहाँ पे नाम मेरा आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। उसके बाद ये फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, अपना प्रोविंस लगाएंगे। उसके बाद कांटेक्ट नंबर, सेकेंडरी कांटेक्ट, उसके बाद ईमेल वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। ये मैंने अपने रीजन पे क्लिक करना है, सखर पे, डिस्ट्रिक्ट। मेरा सिटी भी सखर है, आपका जो होगा आपने वो करना होगा। ये है पोस्टल एड्रेस, डाक का पता। मीन्स ये वो एड्रेस है जिसपे आपको इनकी स्लिप या लेटर वगैरह रिसीव होगा। तो मैं अपना ऑफिस एड्रेस लिखता हूँ। यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, सेव एंड नेक्स्ट। मास्टर्स का आपने अपना सब्जेक्ट लगाना है, स्पेशलाइजेशन इंग्लिश लिटरेचर, आपका जो होगा आपने वो लगाना है। उसके बाद ये है जीपीए, 2.51 लगाया है मैंने, जो मेरा था वो रहने देंगे। आप इनफिल अगर है तो आपने लिखना है, अदरवाइज इसको आपने 7 डेज पे क्लिक करके आगे जाना है। यहाँ पे इंग्लिश लेक्चर मेल पे क्लिक करना है। नीचे आएंगे, आपने टेस्ट सेंटर का प्रेफरेंस देना है। फर्स्ट मैंने रावलपिंडी रखा है, सेकंड में लाहौर रखता हूँ, क्योंकि दो एक ही सेंटर आप नहीं रख सकते। उसके बाद कहते हैं प्लीज डाउनलोड द चालान एंड सबमिट द फीस ब्रांच ने बिल वगैरह। तो ये डाउनलोड होगा आपका चालान, जो लेक्चरर का, जो 1150 रुपये का है। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल का आ रहा है। ये चालान जनरेट हो चुका है। अच्छा, ये चालान 1150 रुपये का, ये आप सबमिट करने के बाद मेरे ख्याल आगे आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपने आके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स भी ऐसी जो 1 MB से ज़्यादा के ना हो, और जेपीजी फॉर्मेट हो या पीएनजी फॉर्मेट हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आप अंडरटेकिंग्स में आएंगे, अंडरटेकिंग में आके आपने इसको एग्री करके और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है प्लीज कंप्लीट योर डिटेल्स। डिटेल्स भी तभी कंप्लीट होंगी जब मैंने चालान वगैरह फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा, उसके बाद ही ये मेरा कंप्लीट होना है। तो गाइज, ये आपको सिर्फ मैंने एक तरीका समझाया था इसको कंप्लीट करने का। तो इसी तरीके से ये सारा फॉर्म आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी है। थैंक यू।